चलिए तो शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 चैप्टर का ये चौथा लेक्चर है ना। चलिए लास्ट लेक्चर में हमने मेनली डिस्कशन किया था अबाउट द एंथैल्पी। मैंने आपको एंथैल्पी क्या है वो सिखा दिया था, और हमने सिखा था एंथैल्पी एच होता है इंटरनल एनर्जी यू प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम पी वी, है ना। आपने ऐसा सीखा था एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, और फिर हमने एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज के बीच का रिलेशन सीखा था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके चलिए, फिर उसके मैंने आपको बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स करवाए थे। आज हम बात करने वाले हैं पहले तो अबाउट द टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं क्या होता है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वर्सेस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। ओके सो वी विल बिगिन इट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक छोटे से सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करेंगे बच्चों। अगर मान लेते हैं कि देयर इज अ कंटेनर, राइट, एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद अ गैस। ये कंटेनर जो है वो गैस से भरा हुआ है, एंड लेट अस से कि जो गैस का टेम्परेचर है द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टी, और ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम वी है, राइट। अब अगर मैं इसके दो पार्टीशन करूं, अगर मैं दो पार्टीशन करूं तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर हम इसका ऐसे पार्टीशन कर दें, राइट, देन व्हाट विल हैपन विद द टेम्परेचर, विल देर बी एनी चेंज इन द टेम्परेचर ऑन बोथ साइड, यू विल से देर इज नो टेम्परेचर। टेम्परेचर पहले जितना था गैस का उतना ही रहना है दोनों तरफ अभी भी, बट वॉल्यूम जो है वो डिवाइड हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया, आधा हो गया दोनों तरफ, v/2, राइट। सो इंटेंसिव ऐसे प्रॉपर्टीज है जो सब्सटेंस के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। इंटेंसिव मतलब दोस प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले इंटेंसिव में, दिस आर द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, राइट। इंटेंसिव आर दोस प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। क्वांटिटी इतना हो इतना हो इतना हो के बहुत सारा फर्क पड़ता नहीं है, दैट क्वांटिटी आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो तुरंत ही आधा हो गया जैसे ही हमने पार्टीशन किया इससे, राइट, एंड टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ नहीं है। ओके तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। एक एग्जाम्पल तो आपको यहीं पर दिख रहा है, टेम्परेचर, देन प्रेशर, देन डेंसिटी, राइट। ओके फिर ऐसी सारी क्वांटिटी जिसके पीछे लिखा होगा मोलर, आगे मोलर कुछ भी हो सकता है, यहां पे मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर फ्री एनर्जी, व्हाटएवर इट इज, राइट। मोलर का मतलब है पर यूनिट मोल, राइट, मतलब ये एक मोल के लिए क्वांटिटी है, मतलब अब ये सब्सटेंस के क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाला नहीं है बिकॉज हमने क्वांटिटी फिक्स कर दिया है वन मोल। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपको ऐसा दिखे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एनर्जी, व्हाटएवर, अगर आपको स्पेसिफिक दिखा तो समझ लो यही है ना जो पर यूनिट मास है। स्पेसिफिक आर द क्वांटिटी डिफाइंड फॉर यूनिट मास, पर यूनिट मास, मतलब अभी आपका मास से कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाने वाला है। ओके चलिए तो ये सारे हो गए आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, एक आपको यहीं पर दिख रहा है वॉल्यूम, फिर इंटरनल एनर्जी, सिंपल से बात, जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, राइट। सिमिलरली एंथैल्पी, फिर आएगा एक एंट्रोपी टर्म आएगा, राइट। सो दिस आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अभी आपको थर्मोडायनेमिक में इतने प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट इज द स्पेसिफिक हीट। चलिए देखिए, एंड हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, हीट कैपेसिटी दैट इज कैपिटल सी।
हीट कैपेसिटी अडेस कैपिटल सी। चलिए देखिए बच्चों हीट कैपेसिटी क्या है। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस दिया हुआ है राइट अगर आपके पास कोई सब्सटेंस दिया हुआ है ओके और उस सब्सटेंस को आपको गर्म करना है राइट ओके अगर आप उस सब्सटेंस को हीट सप्लाई करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा हीट सप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो पता करने का खाली एक ही जरिया है, उसका टेम्परेचर चेंज। अगर कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा है तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाओगे कि भाई टेम्परेचर बढ़ा है मतलब ऑब्जेक्ट गर्म हुआ है, गर्म हुआ है मतलब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया होगा राइट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो रहा है राइट तो हम सिंपली कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने हीट को रिलीज किया इसलिए खुद का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। मतलब सब्सटेंस के साथ जो भी हीट का इंटरेक्शन हो रहा है वो मेजर करने का सिंपल सा जरिया है टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है वो। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे बच्चों हीट कैपेसिटी में। हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर राइट ओके। दैट मीन्स जो भी हीट इंटरेक्शन हुआ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी ओके। अब यहां पर आप जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट रखोगे ना दैट कॉन्स्टेंट इज योर हीट कैपेसिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट जो रखा ना कैपिटल सी यही क्या है आपका भाई, यही है आपका हीट कैपेसिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज हीट कैपेसिटी। चलिए इसके बारे में लिखेंगे हम सी इज हीट कैपेसिटी। चलिए किस किस पे डिपेंड करता है, सी डिपेंड्स ऑन साइज नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। किस पे डिपेंड करेगा भाई ये डिपेंड करता है साइज नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। तो देखो यहां पे डिपेंड कर रहा है साइज के ऊपर, मतलब सिस्टम जितना बड़ा होगा, सिंपल सी बात है देखो भाई जितना बड़ा सिस्टम होगा ना उतना उसको गर्म करना मुश्किल होगा। अगर आपके पास इतना पानी हो और इतना पानी हो अगर आप हीट दोगे ना तो छोटी क्वांटिटी जो है वो फटाफट टेम्परेचर को चेंज करेगी, जो बड़ी क्वांटिटी होगी उसमें टेम्परेचर चेंज करने में टाइम लगेगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग राइट। तो जो हीट कैपेसिटी है वो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा है ये क्वांटिटी, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी राइट। अब अगर मुझे इसको डिफाइन करना है ना तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा इसको, चलिए बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अगर आप चाहते हो कि इसको डिफाइन किया जाए ओके तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखो आपका सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हीट बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी का मतलब हो जाएगा, सी का मतलब हो जाएगा हीट रिक्वायर टू चेंज द टेम्परेचर बाई वन यूनिट। अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर सिस्टम किसी भी कोई भी साइज में हो राइट, अगर उस सिस्टम का आपको टेम्परेचर एक डिग्री चेंज करना है, एक डिग्री अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर 30 है वहां से बढ़ा के 31 करना है या 30 से घटा के 29 करना है तो इसके लिए आपको जो हीट का इंटरेक्शन करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। तो मैं हीट कैपेसिटी को यहां पर डिफाइन भी करूंगा, हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा हीट रिक्वायर टू रेज टेम्परेचर ऑफ गिवन साइज ऑफ सिस्टम बाय वन यूनिट राइट। हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन साइज ऑफ सिस्टम बाय वन यूनिट। चलिए ठीक है, इसका यूनिट क्या बनेगा बोलो बच्चों, सी का यूनिट क्या बनेगा, तो सी का यूनिट बनेगा ये है आपका जूल में, हीट है ना जूल में होगा, टेम्परेचर होगा केल्विन में, तो द यूनिट इज जूल पर केल्विन। क्या यूनिट बनेगा इसका, यूनिट बनने वाला है जूल पर केल्विन। अब ये जो स्पेसिफिक ही आपका जो हीट कैपेसिटी है बच्चों वो दो टाइप का होता है, एक होता है सीपी एक होता है सीवी। चलिए उसके बारे में बात करेंगे बट पहले इस बोर्ड को तो लिखो उसके बाद सीपी सीवी का डिस्कशन करते हैं क्विकली।
चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों इसके बारे में कि जो वाटर है ना उसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, इसीलिए अगर आपको वाटर का टेम्परेचर चेंज करना होता है ना तो वाटर को आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, क्योंकि वाटर का खुद का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, जो होता है 4.184 जूल पर केल्विन। मतलब वाटर का अगर आपको टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाना है ना तो आपको 4.184 जूल जितना हीट देना पड़ता है आपको पर किलोग्राम। ओके लेट्स सी पर ग्राम। हाँ तो वो पॉइंट लिखेंगे हम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी लार्ज, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी लार्ज। यू कैन ऑल्सो राइट हीट कैपेसिटी, अभी मैं स्पेसिफिक पे नहीं जा रहा हूँ, स्पेसिफिक अभी अपना पूरा डिफाइन करना ही बाकी है। सो विल जस्ट राइट हीट कैपेसिटी राइट नाउ। ओके चलिए, तो हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज वेरी लार्ज, हैंस वाटर रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज द टेम्परेचर। ओके चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी करेंगे बच्चों, रिलेशन बिटवीन सीपीसीवी आपके स्कूल एग्जाम के लिए 5-स्टार थियरी आने वाले एग्जाम में, सीपी एंड सीवी रिलेशन। ओके नाउ दिस कैपिटल सी इज हीट कैपेसिटी, नाउ दिस हीट कैपेसिटी कैन बी ऑफ टू टाइप, मे बी द हीट इज एब्जॉर्ब और हीट इज रिलीज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सीपी जो है वो है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीवी है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो पहले वाले केस में आपका सिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है और हीट इंटरेक्शन हो रहा है, तब जो हीट कैपेसिटी है उसको हम सीपी लिखेंगे। दूसरे वाले केस में अपना सिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है, तब जो हीट इंटरेक्शन हो रहा है और जो हीट कैपेसिटी है उसको हम सीवी कहेंगे, और इस सीपी सीवी के बीच का हम निकालना चाहते हैं रिलेशन। ओके तो मैं यहां पर पहले डिफाइन करूंगा इसको, सीपी एंड सीवी आर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। चलिए ठीक है, अब आप बच्चों आगे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ये होता है हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये आपने पढ़ा हुआ है, मना मत करना बिल्कुल भी। राइट, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा आपने पढ़ा था बच्चों चेंज ऑफ एंथैल्पी होता है हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके ये आप ऑलरेडी आगे पढ़ के आए हो, फाइन। चलिए अब यहां से आप हीट को डिफाइन करो, तो ये हीट कैपेसिटी क्या है भाई, हीट कैपेसिटी है आपका हीट बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये हीट क्या हो जाएगा, हीट हो जाने वाला है आपका हीट कैपेसिटी इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो यहां से बच्चों आपको ये हीट क्यू कितना मिलेगा, हीट मिलेगा आपको सी इंटू डेल्टा टी। राइट, हीट का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, हीट कैपेसिटी इनटू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो क्योंकि यहां पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है तो मैं इसको लिखूंगा सीवी डेल्टा टी, क्या लिखेंगे इसके हम सीवी डेल्टा टी, और यहां पे कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो चेंज ऑफ एंथैल्पी को हम लिखेंगे सीपी डेल्टा टी। राइट, डेल्टा यू को हमने लिखा बच्चों सीवी डेल्टा डी, एंड डेल्टा एच को हमने लिखा सीपी डेल्टा डी। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम एंथैल्पी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड वी नो दैट कि एंथैल्पी एच होता है यू प्लस पीवी, ये हमने कल ही लिखा था। राइट, एंथैल्पी होता है यू प्लस पीवी। चलिए बहुत बढ़िया, अगर एंथैल्पी चेंज हो रहा है तो डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा पीवी। राइट, इफ द एंथैल्पी इज चेंजिंग तो आप हर जगह पे डेल्टा लगा दोगे, डेल्टा एच डेल्टा यू एंड डेल्टा पीवी, अगर सिस्टम स्टेट चेंज कर रहा है तो, है ना, बिकॉज आप टेम्परेचर चेंज करोगे। राइट, डेफिनेटली देखो हम यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होगा तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज होने वाला है, स्टेट चेंज होगा तो फिर आपको इस तरह से डेल्टा लगाना पड़ेगा। ओके चलिए अब हम क्या करेंगे, लेट्स टेक वन मोल आइडियल गैस, सो आई विल राइट हियर फॉर वन मोल आइडियल गैस, वी नो दैट पीवी इक्वल टू आर टी बिकॉज मैंने एन ले लिया है वन मोल, तो इस पीवी की जगह मैं रख दूंगा आरटी, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी की जगह रख दो आरटी, आर तो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें तो चेंज होना नहीं है, तो ये हो गया आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी, आर बाहर आ गया। नाउ व्हाट इज डेल्टा एच, पुट इट हियर, सीपी डेल्टा टी, व्हाट इज डेल्टा यू, सीवी डेल्टा टी प्लस आर इंटू डेल्टा टी। ओके डेल्टा टी कट हो जाएगा हर जगह से, तो आपको जो रिलेशन चाहिए वो आ चुका है बच्चों, दैट इज सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर।
और यू कैन रिमेंबर CP माइनस CV इज इक्वल टू R. ये हर एक साइंस वाले बच्चों को याद होता है, कैसे आया वो सबको याद नहीं होता है, पर रिलेशन जो है ना वो डब्बे से डब्बे बच्चों को भी याद होता है कि CP माइनस CV इक्वल टू R. बोलने में आसानी इतना है, अपने आप याद हो जाता है ना, CP माइनस CV इज इक्वल टू R. CP माइनस CV इक्वल टू R, ये रहा इसका सिंपल सा डेरिवेशन. पहले आप लिखोगे बच्चों चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट इज हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, चेंज ऑफ इंथाल्पी, हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसे हम लिखेंगे सी वी डेल्टा टी, इसे हम लिखेंगे सी पी डेल्टा टी, और फिर एंथाल्पी का फॉर्मूला यूज करेंगे एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, हर जगह पे लगा देंगे डेल्टा. अब डेल्टा एच का वैल्यू रखेंगे, डेल्टा यू का वैल्यू रखेंगे, और पी वी की जगह रखेंगे आर डेल्टा टी. डेल्टा टी कट हो जाएगा, अपने आप आपका जो रिलेशन है वो बन जाएगा, एंड द रिलेशन इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर. तो अब देखते हैं व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. छोटे से डेफिनेशन हमें लिखने हैं यहाँ पे मोलर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के. तो हमने हीट कैपेसिटी में देखा था कि द सिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज, हीट कैपेसिटी वॉज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ सिस्टम, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, सिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज, राइट. अब अगर हम सिस्टम का साइज फिक्स कर दें, लेट्स टेक वन मोल सिस्टम और लेट्स टेक वन ग्राम सिस्टम, ओके. तो अब ये जो बनेगा ना उसे या तो आप मोलर कहोगे या तो स्पेसिफिक कहोगे. चलिए बात कर लेते हैं, फटाफट डेफिनेशन लिखना है. मोलर हीट कैपेसिटी So molar heat capacity is heat required to change temperature of one mole substance. By 1 degree. Right? तो अगर substance आपको एक mole दिया है तो उस एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए, एक डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर का मतलब भी होता है पर मोल, मतलब एक मोल क्वांटिटी आपको लेना है. चलिए, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी फिक्स कर दिया, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, बिकॉज द क्वांटिटी इज फिक्स नाउ. सो नाउ इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन. पर मोल आ गया देखो नीचे, बिकॉज एक मोल क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है ना. चलिए बहुत बढ़िया, जब आपको मोलर हीट कैपेसिटी दिया है तो हीट का फॉर्मूला क्या बनाएंगे बच्चों? हीट का फॉर्मूला हम बनाएंगे मोलर हीट कैपेसिटी मोल इनटू मोलर हीट कैपेसिटी इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस विल बी द फॉर्मूला, राइट. ये आप फॉर्मूला बनाओगे हीट का जब आपको मोलर हीट कैपेसिटी दिया हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ, राइट. तो मोलर हीट कैपेसिटी आपके क्वेश्चन में हो, और अगर आपको हीट निकालना है तो आप क्या करोगे? मोलर हीट कैपेसिटी को आप मोल से मल्टीप्लाई करोगे, और आप मल्टीप्लाई करोगे उसको चेंज ऑफ टेम्परेचर से, ठीक है ना. चलिए, इसी तरह से दूसरा एक टर्म हम पढ़ेंगे, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, लेट्स सी क्या होता है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो स्पेसिफिक हीट का मतलब है आपको एक ग्राम सब्सटेंस लेना है. कितना लेना है सब्सटेंस? आपको एक ग्राम लेना है, राइट. मतलब यूनिट मास लेंगे हम यहाँ पे. सो इट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास. यूनिट मास मतलब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, राइट. तो यहाँ पे हम कितना क्वांटिटी ले रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं 1 ग्राम सब्सटेंस ले लिया, तो यहाँ भी हमने मास को कर दिया है फिक्स. वी आर टेकिंग यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, राइट. इसको हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल स्मॉल सी. क्या सिंबल है बच्चों? इसका सिंबल है स्मॉल सी. हीट कैपेसिटी का सिंबल है कैपिटल सी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल है स्मॉल सी. ओके, चलिए. तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये भी कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, बिकॉज मास हमने यूनिट ले लिया है. यूनिट क्या बनेगा इसका? तो इसका यूनिट बनेगा जूल पर ग्राम केल्विन, और यू कैन ऑल्सो राइट जूल पर केजी केल्विन, राइट. जूल पर ग्राम केल्विन और जूल पर केजी केल्विन. चले, जब आपको स्पेसिफिक हीट दिया होगा ना, राइट, तब आपके हीट का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर चेंज. ओके, एंड सिंपली यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला इज एम सी डेल्टा टी. ये हम बहुत बार यूज करने वाले हैं. व्हेनेवर द स्पेसिफिक हीट इज गिवन,
वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ द हीट मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर एम सी डेल्टा टी. क्यू इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हम यूज करेंगे व्हेन द स्पेसिफिक हीट इज गिवन इन द क्वेश्चन. राइट, दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक हीट्स एंड ऑल द थिंग्स. राइट, चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए. तो क्विकली आप जब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस वाला टॉपिक करोगे ना बच्चों, ओके, व्हेन यू विल डील विद द काइनेटिक थियरी ऑफ द गैसेस, तो उसके अंदर आपको सीपीसीवी का रिलेशन और ज्यादा डिटेल में आएगा. राइट, जो आप फिजिक्स में करने वाले हो मैं ही आपको कराऊंगा वो भी, ओके. बट अभी आपको केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक के लिए खाली इतना ही रिलेशन आपको याद रखना है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर. चलिए कॉपी करेंगे क्विकली.